निषेचन की क्रिया में क्या होता है, संलयन, क्या होगा, संलयन होता है। निषेचन क्रिया है क्या होती है, देखो अंडाणु प्लस शुक्राणु के मेल की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब समझे, अंडाणु और शुक्राणु के मेल की क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक ना। अब इसके बाद सबसे पहले देखो निषेचन की बात की जाए, निषेचन की बात की जाए, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक वाह्य निषेचन होता है, क्या होता है, वाह्य निषेचन, कैसा निषेचन, और दूसरा आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, वाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक ना। सिंपल सी बात है, देखो जो शरीर से, जीव के शरीर से बाहर होगा, जीव के शरीर से कैसा निषेचन, और जो जीव के शरीर के भीतर होगा उसको कैसा निषेचन करेंगे, आंतरिक निषेचन। एक वाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अब अगर कोई पूछ दे कि वाह्य निषेचन का माध्यम क्या होता है, तो देखना एक चीज जाना, वाह्य निषेचन सामान्यतः जलीय माध्यम होता है। कैसे माध्यम, वाह्य निषेचन कैसा होता है, जलीय माध्यम में। जो जलीय जीव होते हैं वो वाह्य निषेचन करते हैं, जैसे कछुआ, मेढक, ये सब चीजें क्या होंगी, वाह्य निषेचन करते हैं। जैसे मछली, लिख लेना, जैसे कौन, मछली, शैवाल, शैवाल, कछुआ, ये सब चीजें क्या है, वाह्य निषेचन वाले, कैसा, वाह्य निषेचन वाले। और आंतरिक में देखो, यह जो निषेचन होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है, ये स्थलीय जीव में होता है, कैसे, स्थलीय जीव में होता है, ठीक ना। जो स्थल पर पाए जाने वाले जीव होते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर, ये सब चीजें क्या है, आंतरिक निषेचन वाले, ठीक ना। यानी जब देखो कहा कि निषेचन का मतलब हो गया अंडाणु और शुक्राणु का मेल, तो जो जो मेल की क्रिया होगी अगर शरीर से बाहर होगी तो कैसा कहलाएगा, वाह्य निषेचन कहलाएगा। अगर शरीर के भीतर होगी, आंतरिक निषेचन कहलाएगा, ठीक।